बैंक जाने का झंझट खत्म, आत्म के जरिए मिलेगी लोन अप्लाई सहित ये सुविधाएं। अब तक आप सोचते होंगे कि एटीएम का सिर्फ एक ही इस्तेमाल होता है और वो है पैसे निकालना, लेकिन आज हम आपको एटीएम की सात ऐसी सेवाओं के बारे में बताएंगे जिनके माध्यम से आपको बहुत लाभ होगा। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एटीएम के जरिए आप लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और टैक्स का भुगतान भी कर सकते हैं। इसके अलावा एटीएम आपको ट्रेन का टिकट बुक करने की सुविधा, फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा, इंश्योरेंस पॉलिसी की राशि के भुगतान की सुविधा, कैश ट्रांसफर की सुविधा, बिल का भुगतान करने के लिए और कई सुविधाएं प्रदान करता है। आइए जानते हैं इन सभी सुविधाओं के बारे में। इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख करीब आ रही है। एटीएम के जरिए आप इनकम टैक्स का भुगतान भी कर सकते हैं। देश में कई बैंक ऐसे हैं जो अपने ग्राहकों को अपने एटीएम के जरिए यह सुविधा देते हैं। हालांकि एटीएम से आयकर चुकाने के लिए आपको पहले बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में इस सुविधा के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद ही आप एटीएम की मदद से कर चुका सकेंगे। जब आपके खाते से पैसे कट जाएंगे तो आपको एक सीआईएन नंबर दिया जाएगा। इसके 24 घंटे बाद आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर इसी सीआईएन नंबर से चालान प्रिंट भी करा सकते हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई रेलवे की बिल्डिंग में मौजूद कई एटीएम के जरिए ग्राहकों को टिकट बुक करने की सुविधा देता है। हालांकि इसके तहत सिर्फ लंबी दूरी की आरक्षित टिकटें ही बुक की जा सकती हैं। टेलीफोन का बिल हो या बिजली का, एटीएम से आप बिल का भी भुगतान कर सकते हैं। हालांकि बिल भुगतान से पहले आपको बैंक की वेबसाइट पर एक बार खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। टेलीफोन और बिजली के साथ एटीएम से आप गैस के बिल का भी भुगतान कर सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का LIC, HDFC, HDFC लाइफ और SBI, SBI लाइफ जैसी बीमा कंपनियों के ग्राहक एटीएम से भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की राशि का भुगतान कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आपके पास पॉलिसी नंबर होना चाहिए। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको एटीएम के बिल पे सेक्शन में जाकर बीमा कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होगा। अब पॉलिसी नंबर, जन्मदिन और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप प्रीमियम की रकम डालकर इसे कंफर्म कर सकते हैं।